जय बजरंगबली की। दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं प्राप्त करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो, हर समय उसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा हो और वे अपने पीछे से अपने बच्चों के लिए भी अच्छा खासा धन छोड़ करके जाए। इसके निमित्त हर व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है और लाखों जतन करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में उतना धन नहीं आ पाता है जितना कि वह चाहता है। जितना कि आपने सोचा होता है उतनी आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों शास्त्रों में ऐसे ही एक विशेष उपाय के बारे में बताया गया है, जिसे करने से कहा जाता है कि खुद माता लक्ष्मी ने ये वरदान दिया था कि जो कोई भी ये उपाय करेगा मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। और दोस्तों ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जब माता लक्ष्मी का खुद साथ हो तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं हो सकती है। जो भी व्यक्ति हल्दी को छूकर यह मंत्र बोल देगा, माता लक्ष्मी साक्षात उसके साथ रहती है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही हैं। आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा या धार्मिक चैनलों में या प्रोग्राम आदि आते हैं उनमें आपने देखा होगा माता लक्ष्मी अक्सर भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती है। अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। दोस्तों हल्दी को बृहस्पति ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न कर ले या उनके निमित्त कुछ उपाय करे जिससे कि वे प्रसन्न हो जाए तो उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में उनका स्थायी वास कराने के लिए आपको हल्दी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको हल्दी को छू करके बोल देना है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, खान पान से लेकर धार्मिक कार्यक्रम तक, कोई भी क्षेत्र हल्दी के बिना पूरा नहीं होता है। हल्दी को मसाले के तौर पर घर में रसोई में इस्तेमाल किया जाता है जो खाने के रंग और उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। वहीं इस हल्दी के टोने टोटकों से मनुष्य को अनेकों समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाता है। मनुष्य को अनेकों समस्याओं का समाधान के लिए हिम्मत मिलती है और उनके समाधान दूर होकर के माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको हल्दी के एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके घर में धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको गांठ वाली हल्दी का प्रयोग करना है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गांठ वाली हल्दी पीले पुखराज की तरह कार्य करती है और जो जातक बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है या उन्हें प्रसन्न करना चाहता है उसके लिए ये एक रामबाण औषधि है। इसके लिए दोस्तों आपको एक हल्दी की गांठ लेकर के आनी है और उसे धागे में पिरो देना है। धागे में पिरो देने के बाद आपको इसे अपने मंदिर में ले जा करके बैठ जाना है और उसके बाद हल्दी को छू करके इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र एक बार फिर सुन ले दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का दोस्तों 108 बार जाप करें। जाप पूरा हो जाने के बाद आप एक देसी घी का दीपक भगवान विष्णु के सामने या माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर दें। उसके बाद जो धागा आपने उस गांठ में से पिरोया है, हल्दी की गांठ में जो आपने पिरोया है उसको बांध दे और उसे एक माला का रूप दे। अगर आप ये उपाय माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने कर रहे हैं तो उन्हें पहना दें, और अगर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने कर रहे हैं, जिन व्यक्ति जो भी आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं उन्हें ये अपने उपाय करना चाहते हैं, वे अगर मूर्ति लाने में सक्षम नहीं है और तस्वीर के सामने अगर ये उपाय कर रहे हैं तो आप माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने इस उपाय को कर सकते हैं और इस गांठ को उनके चरणों में रख दें। उसके बाद आंखें बंद करके हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी से अपने धन संबंधी सभी समस्याएं कह दें और उसके बाद अपनी मनोकामनाएं भी कह दें। दोस्तों अगर आप भी हल्दी धारण करने वाला ये उपाय कर रहे हैं तो केवल गुरुवार के दिन ही करें। इसके बाद आप इस हल्दी को जब दीपक बुझ जाए तब इस हल्दी की गांठ को उठा करके अपने घर में जहाँ कहीं भी आप पैसे रखते हैं वहाँ उस पैसे रखकर उस पैसे को इस गांठ को पहना दें, यानी कि उस नोट को या उस नोट के बंडल को आप इस गांठ वाली हल्दी की माला को धारण करवा दें। ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है
इस गांठ वाली हल्दी की माला को धन को पहना देता है, उस घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर माना जाए तो पीली हल्दी बहुत ही कामगार होती है। ये माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न करके आपके घर में प्रवेश करवाती ही है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा भी आपके घर में बरसने लगती है। अगर धार्मिक ग्रंथों की माने जाए तो जिस जातक की भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या फिर गुरु दोष लगा हुआ है तो उसके लिए पीली हल्दी एक रामबाण औषधि है। दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं तो इसके लिए आज हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति भी सूर्य को जल देते हैं उन व्यक्तियों को कर्म करने की या फिर मेहनत करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पीली हल्दी के साथ ये उपाय करेंगे या सूर्य को जल देंगे तो आपके घर में धन बहुत ही जल्दी आने लगेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, ऐसे मार्ग मिलने लगेंगे आपके घर में पैसे आने के, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों, पैसे आने से भी ज्यादा जरूरी है कि घर में पैसे का टिकना, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर लोगों के घर में जब भी शुभ संकेत आते हैं तब पैसे आने लगते हैं, लेकिन जब भी कुछ अशुभ संकेत आते हैं तो पैसे जाने के रास्ते अपने आप बन जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है लोगों का बीमार होना। दोस्तों, अगर किसी के घर में कैंसर या फिर डायबिटीज यानी कि मधुमेह ऐसे रोग हैं जो कि कभी ठीक नहीं होते हैं, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार है तो आप ये समझ लीजिए कि पैसे जाने का रास्ता परमानेंट खुल जाता है और आप हमेशा के लिए निर्धन होने लगते हैं लगातार। अगर बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति निर्धनता की ओर या गरीबी की ओर भी बढ़ सकता है और आपकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर किसी को कैंसर या पेट संबंधी कोई बीमारी है तो व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति को मुक्ति पाने के लिए पिसी हुई हल्दी का दान कर सकता है। साथ ही जिस व्यक्ति के ऊपर रोगों की समस्या है, प्रतिदिन सुबह पिसी हुई हल्दी का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने पर उस व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और वह रोग मुक्त हो जाता है। अगर व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है तो उसके ऊपर कार्य करने वाला व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा हो वह उसके गले पर और माथे पर तिलक लगाए और अपने माथे और गले पर तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकले। ऐसा करने से व्यक्ति बहुत ही जल्दी रोगों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रोगों से मुक्ति के बाद आपके घर में बहुत ही जल्दी पैसे आने लगे तो आप दोस्तों सुबह सुबह सूर्य को जल तो अवश्य देते होंगे, वरना आपने बहुत से लोगों को जल देते हुए देखा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जल देने का, सूर्य को जल देने का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसके साथ ही अगर आप पीली हल्दी का प्रयोग कर लेंगे तो आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग बहुत ही तीव्रता से खुल जाएंगे और निश्चित ही चुटकियां बजाते ही आप बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। सुबह सूर्य को हल्दी मिले हुए जल से अर्घ देने से सूर्य की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जल चढ़ाने के बारे में सोच ही रहे हैं तो आपको यह भी बता दें कि यह आपको उपाय किस प्रकार से करना है। जब भी आप सूर्य देने वाले लोटे में जल भरें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और हल्दी डाल देने के बाद और थोड़ी सी हल्दी लेकर के उसमें थोड़ा सा जल मिला करके उसे लोटे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। उस चिन्ह बने हुए लोटे से आप सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद उस लोटे पर लगी हुई स्वास्तिक की पीली हल्दी उसमें से थोड़ा सा भाग लेकर के अपने अंगूठे की सहायता से अपने माथे पर और गले पर तिलक जरूर लगाएं। इससे आपकी धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वे समस्याएं बहुत ही जल्दी दूर होंगी। और अगर आपके घर में या आपके ऊपर धन संबंधी कोई समस्या नहीं है तो भी आपके घर में सभी मार्ग खुल जाएंगे पैसे आने के। लक्ष्मी माता आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखा देंगी जिससे कि आपके घर में प्रवेश होने वाले कर्मों के द्वारा कर्मों का बढ़ चढ़ करके आपको फायदा मिलेगा और आपको बहुत ही ज्यादा धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा धन की आगमन बढ़ जाएगी। मात्र एक माह तक इस प्रयोग को कर लें और आप देखें कि आपको किस प्रकार से चुटकियां बजाते ही आपके घर में सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी विवाह योग्य पुत्र या पुत्री है जिसकी विवाह में देरी हो रही है तो आप ये उपाय उसके हाथों से भी करवाएं। ऐसा करने से उसके धन संबंधी समस्या दूर हो ही जाएंगी, साथ ही साथ उस व्यक्ति की विवाह में जो दूर देरी हो रही है वह सभी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो गाय है उसके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर बुरा समय आता है तो पंडित उसे अधिकतर नवग्रह शांति की
पूजा करवाने का सुझाव देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये उपाय करना कितना लाभकारी है या नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आपको एक सरल उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को अपने घर में आटा मल ले और उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला ले। हल्दी बनाने के बाद उसके दो पेड़े बना ले, उस पेड़े के अंदर छोटा सा छेद करे, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, 5 दाने चने की दाल के और थोड़ी सी गुड़ डाल ले और उस पेड़े को बंद कर ले। इसी प्रकार से दोनों पेड़ों को बना करके घर के मुखिया पर से या जिस किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 हो या फिर धन आगमन की समस्या हो, व्यापार में निरंतर घटावट आ रही हो या लगातार व्यापार घट रहा हो, पैसे आने की हर साधन धीरे धीरे बंद हो रहे हो, ऐसे किसी व्यक्ति जो प्रभावित हो उसके ऊपर से उसे 7 बार उतार ले। अगर कोई ऐसी समस्या आपके घर में नहीं है तो घर के सिर्फ मुखिया के सिर पर से आप इसे 7 बार उतार ले और गाय को खिला दे। लेकिन दोस्तों, एक बैठी हुई सफेद रंग की गाय यानी कि देसी गाय जो होती है उसको ही आप खिलाएं। जो गाय बैठी हुई हो और सफेद रंग की हो यानी कि देसी गाय हो, उस गाय को ही आप इसे खिलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बैठी हुई गाय और उसके अंदर के सभी 33 कोटि देवी देवता एकाग्र अवस्था में होते हैं जब वे बैठी हुई होती है। तो ऐसे में अगर आप गाय को भोजन कराते हैं तो ये सभी आपका दान उन सभी देवी देवताओं को तक जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी हम भोजन करते हैं या किसी ब्राह्मण आदि को भोजन कराते हैं तो उसे कभी खड़े खड़े भोजन नहीं कराते हैं, उसे हमेशा बिठा करके भोजन कराते हैं। इसीलिए आप बैठी हुई गाय को ही भोजन कराएं। यह उपाय लगातार 3 गुरुवार करें, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से लेकर के लगातार 3 गुरुवार करें। इससे आपको आश्चर्यजनक तरीके से अपने घर में धन आगमन के सभी मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। आश्चर्यजनक तरह से आपको अचानक धन की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे हमें ज्यादा धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जय बजरंगबली।